हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, एमटार टेक्नोलॉजी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ चुके हैं। दोस्तों, रिजल्ट ऑलरेडी हम रिजल्ट के ऊपर ही है, तो रिजल्ट को स्टडी करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। हाँ, ये कंपनी मेरे पास है, जब से लिस्टेड हुए तभी से मेरे पास है। और साथ ही साथ और एक वार्निंग वाले पॉइंट देना चाहूँगा दोस्तों। वार्निंग वाले पॉइंट दोस्तों ये है, ये एक मिड कैप स्टॉक है। अगर मार्केट के हिसाब से क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा भी नंबर फ्लैट भी आया तो बहुत अच्छे खासे पिटाई हो सकता है। वैसे इन स्टॉक की तो बहुत अच्छे खासे पिटाई हो चुके हैं। इनके और KPIT टेक्नोलॉजी मैंने पहले ही बता दिया था, जब तक इनके क्वार्टर थ्री रिजल्ट नहीं आते आप कभी भी गलती से भी एक भी स्टॉक बाय मत कीजिए। और KPIT टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा 800 के स्टॉक आ चुके 600 में, और ये भी स्टॉक दोस्तों 2550 के स्टॉक आ चुके 2000 के आसपास। अभी मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक क्वार्टर थ्री रिजल्ट स्टडी नहीं कर लेते तब तक आप इस स्टॉक पर बाय मत करना। तो दोस्तों, सबसे पहले वार्निंग वाले पॉइंट दोस्तों ये हो गया कि ये मिड कैप स्टॉक है, अगर मार्केट के हिसाब से नंबर नहीं आते तो लगभग 25% तो गिरावट हो चुके हैं स्टॉक में, और भी पिटाई हो सकता है। लगभग 1800 लगभग 1800 लेके 1900 तक आराम से चला जाएगा। दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगा, ये तो वार्निंग वाले पॉइंट हो गए। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को, उसके बाद जाएंगे हम कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कल इसका दायरा क्या रह सकता है, और साथ ही साथ फरवरी मतलब इस मंथ में स्टॉक का क्या दायरा क्या टारगेट रह सकता है। तो चलो दोस्तों, हम सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को। दोस्तों, हम आ चुके कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम ओके कर लेंगे सीक्वेंस को। ये दोस्तों हमारे पिछले साल के क्वार्टर के, ये हमारे थ्री मंथ पहले के, और ये है दोस्तों हमारे इस क्वार्टर के। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नेट इनकम। तो टोटल इनकम है दोस्तों 550, एक साल पहले थे 550, 550 का इनकम हो चुका दोस्तों 800, मतलब बहुत अच्छे खासे जंप है ईयरली बेसिस पे। और क्वार्टरली बेसिस पे दोस्तों 940 का जो सेल्स है दोस्तों, इनकम है, वो हो चुका है 800, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है, मतलब कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उम्मीद है क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट होना चाहिए, क्योंकि जो सेल्स है इनकम है नेट इनकम ही क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिले तो प्रॉफिट जो है दोस्तों वो तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। अब चलते हैं हम कंपनी के टोटल एक्सपेंस के ऊपर। तो टोटल जो एक्सपेंस है वो है दोस्तों, एक साल पहले थे 430 का दोस्तों खर्चे हो चुके 604। तो जिस हिसाब से कंपनी के ईयरली बेसिस पे कंपनी ने इनकम किए, उसी हिसाब से कंपनी के जो एक्सपेंस है यानी कि खर्चे है, वो भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे हम क्वार्टरली बेसिस पे। तो क्वार्टरली बेसिस पे दोस्तों 670 के खर्चे हो चुके 606, मतलब क्वार्टरली मतलब फ्लैट है आप मान सकते हो। जिस हिसाब से कंपनी की इनकम है उसी हिसाब से कंपनी के जो एक्सपेंस भी। अब चलते कंपनी के हो गए दोस्तों इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे, उसके बाद आते हैं प्रॉफिट यानी कि प्योर प्रॉफिट। तो हम चलते हैं डायरेक्टली प्योर प्रॉफिट के ऊपर। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर यानी कि प्योर प्रॉफिट के ऊपर, वो देख पा रहे होंगे दोस्तों एक साल पहले थे लगभग रफली 36, 36 के हो चुके दोस्तों 54, मतलब बहुत अच्छे खासे जंप है। और 80 के हो चुके दोस्तों 54, मतलब क्वार्टरली बेस पे सेम गिरावट, मैंने तो आपको पहले बता दिया, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है इनकम है नेट इनकम, वही कंपनी के क्वार्टर थ्री मतलब क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है, तो जो नेट प्रॉफिट रहेगा वो तो ऑब्वियसली गिरावट रहेगा रहेगा। आप उस हिसाब से आप कंपनी की जो EPS है वो भी आप देख पाएंगे। तो रिजल्ट कैसे है सर? रिजल्ट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ओके, क्योंकि कंपनी ईयरली बेसिस पे तो अच्छे खासे ग्रोथ दिखाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि बार बार अपने जो थ्री मंथ के क्वार्टर है उसको बार बार बीट कर पाए तो ही वो फाइव स्टार नंबर है। ऐसे कुछ नहीं है, नंबर फाइव स्टार तो नहीं, बट ओके है, चल जाएंगे। अब चलते हैं हम कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर, उसमें मैं बताऊंगा कल इसका दायरा क्या रह सकता है, मार्केट इस पर क्या रिएक्शन दे सकता है मेरे हिसाब से, और साथ ही साथ फेब्रुअरी में मतलब इस मंथ में इस स्टॉक का क्या टारगेट रह सकता है। और आपके पास है तो आपको करना क्या चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या बाय करना चाहिए, तो सारी चीज़ों में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर। सो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब मैं इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा आपको। लगभग एक साल से ज़्यादा ही हुए, बट इसने लगभग 100% अभी भी 100% की रिटर्न है। अगर आप टॉप बाय देखोगे टॉप से टॉप, तो दोस्तों लगभग 150% से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने दे चुका है। और टॉप से अगर आप गिरावट देखेंगे तो लगभग 25% से ज़्यादा क्रैश हो चुका है। तो क्या सर और भी क्रैश हो सकता है? दोस्तों बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि कंपनी इतने रिजल्ट जितने भी ब्लू चिप कंपनी इतने अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने के बाद भी पिटाई हो रहा है। इन्फोसिस ले लो, बजाज फाइनेंस ले लो, कोटक महिंद्रा ले लो, सारे इतने मल्टीपल स्टॉक में कंपनी में अच्छे खासे गिरावट हो रहा है। तो ये तो दोस्तों मिड कैप कंपनी, और इसने तो अच्छे खासे रैली दिखा चुके हैं, बहुत पिटाई हो सकता है, प्लीज़ बाय मत कीजिए। तो सर हमारे पास है कि हमें डर के चलते इन रिजल्ट के चलते हमें लॉस बुकिंग करके या फिर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए? दोस्तों गलती से भी नहीं, कमाल की कंपनी है दोस्तों, फ्यूचर में मल्टीपल रिटर्न आपको 100% देगा। तो आप बिंदास कंटिन्यू कीजिए। हाँ, जिनके पास नहीं है आप प्लीज़ बाय मत कीजिए। ये 800 तक आ सकता है या फिर 850 यहाँ तक भी अगर आ जाए, यहाँ तक भी आ जाए दोस्तों 1850 तक या 1800 या फिर 1900 भी, तब भी आप बाय करके चल सकते हो। बस इस लेवल पे बाय मत कीजिए, अभी भी लगभग 10% के करेक्शन बाकी है। और KPIT टेक्नोलॉजी में भी, KPIT टेक्नोलॉजी जैसे मैंने मना किया था, अब KPIT टेक्नोलॉजी उसके 550 तक एक बार आएगा, उसमें से जंप करेगा, आप तभी इस पर बाय करना, इस लेवल पर बाय मत कीजिए। और जो हमारे
इम्टा टेक्नोलॉजी, इम्टा टेक्नोलॉजी दोस्तों 1900 लेके 1800 तक आएगा, तब आप बिंदास बाय करके चल सकते हो। जिनके पास नहीं है प्लीज़ इस लेवल पर बाय मत कीजिए। फिर भी अगर कोई क्वारीज है, और मैं बता दूँ इस फेवर को जो इसका टारगेट रहेगा इस मंथ को, ये कंसोलिडेटेड जोन में रहेगा, बल्कि ये गिरावट भी दिखाएगा, 1800 को आ सकता है। ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है, मुझे तो बहुत ही कम लगता है दोस्तों। रिजल्ट फ्लैट क्वार्टरली बेसिस बहुत अच्छे खासे मतलब गिरावट है, तो मार्केट को तो अच्छा लगेगा ही नहीं, तो 100%। सो तो फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वारीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन हिट करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।